कार्तिक पूर्णिमा बूंदी के केशवराय पाटन केशव नगर में श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था की डुबकी लगाकर कार्तिक स्नान किया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु केशव नगरी पहुंचे और चंबल नदी के घाट पर डुबकी लगाई। इस दिन चंबल घाट पर दिन भर लोगों का कार्तिक स्नान चलता है और केशव भगवान के दर्शन कर लोग इच्छित फल की कामना करते हैं। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। यहाँ पे भगवान केशव का मंदिर है और पूरब मुखी चरमण्यवती बहती है, तो इसका विशेष महत्व यहाँ हो जाता है। वैसे चंबल पूरे राजस्थान में है, लेकिन यहाँ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये पूरब मुखी होके धनुषाकार में बहती है और भगवान केशव का मंदिर है इसके तट पर है। तो और आज का विशेष महत्व ये है कि पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री केशव का विग्रह प्राप्त हुआ था केशव घाट से, एक पुष्प की डलिया लेके, और वो पुष्प इकट्ठा हो गए थे और स्वप्न दर्शन हुआ था राजा रंतिदेव को। राजा रंतिदेव को स्वप्न दर्शन हुआ था कि इस जगह पे मेरा विग्रह है चरमण्यवती के अंदर, और इसे निकाल कर आप अपना वहाँ पर मुझे स्थापित करो। तो वो पुष्प की एक डलिया छोड़ी थी, जहाँ पुष्प इकट्ठे हुए उसी जगह से भगवान श्री केशव का विग्रह निकला और उसको फिर वो नीचे छोटा मंदिर है वहाँ स्थापित किया। फिर शत्रुशाल जी ने जब इस मंदिर का निर्माण करवाया, एक ही दिन में बना हुआ यह मंदिर है और दूसरे घाट पे भी मंदिर निर्माण हो रहा था। कार्तिक पूर्णिमा मतलब सबसे बड़ा मास माना जाता है और इसमें स्नान किया जाता है और व्रत रखते हैं पूरे महीने। तो फिर जहाँ तीर्थ धाम होते हैं वहाँ पर नदी में स्नान करने जाते हैं गंगा यमुना का, और भगवान के दर्शन करते हैं, दीप दान करते हैं। आप कहाँ से आए और कहाँ स्नान करने आए? हम तो कोटा से आए, केशवराय पाटन। यहाँ की क्या मान्यता है केशवराय पाटन? ये बहुत बड़ा पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है, जैसे यहाँ गंगा जमुना की धारा बहती है तो उस हिसाब से ये तीर्थ धाम माना जाता है।